उन्होंने एक जगह थे ना बाल से लेकर नाखून तक एक एक चीज मैचिंग की हुई है. क्या बात है, क्या बात है फिराल आपकी. आप यहाँ बैठेंगी, आज फिराल होस्ट है. ओके, सब कुछ किया है, होस्टिंग नहीं की अभी तक. ठीक है, अभी तक ली गया. सो फिराल की होस्टिंग. फिराल ये पकड़ के आपने मुझसे और मामा से जो भी आप पूछना चाहो, बातें करना चाहो कर सकती हो. ठीक है, चलो. क्या पूछना आपने? ब्रश कौन? ब्रश कौन सा ब्रश? अच्छा वाला. अच्छा वाला ब्रश, मगर कौन सा ब्रश? उनसे तो पूछे उनके शो में. अच्छा वाला हेयर ब्रश या आई ब्रश, मेकअप ब्रश, ब्लश ऑन ब्रश, टूथ ब्रश? कौन सा वाला चाहिए? कौन सा? आई ब्रश, मेकअप, एक और ब्रश भी होता है, एक और ब्रश भी होता है जिससे फ्लोर साफ करते हैं. फ्लोर? हाँ. मैं क्या सफाई करूँ? मैं सफाई वाली लड़की नहीं हूँ. वो सफाई वाली लड़की कौन, कैसी होती है वो? आप जैसी नहीं होती. मैं बूढ़ी नहीं हो सकती. एक्चुअली वो मेरे घर में बहुत ज़हीफ है ना. बूढ़ी है. हाँ, ज़हीफ है. ओके, सो एनीथिंग बट दैट ब्रश. ठीक है, तो वो ब्रश रूल आउट हो गया. टूथब्रश चलेगा? टूथब्रश चाहिए. माइक नहीं चल रहा. चल रहा है, आप बोले. माइक नहीं चल रहा. चल रहा है माइक. चल के चला जाएगा जहाँ बोलोगे. हाँ. चला जाएगा. तो आपको माइक बना लेती हूँ मैं. मुझे माइक बना लेती हूँ. मैं आपको माइक बना लेती. अच्छा, उनको ब्रश बताए. वो कह रही है टूथब्रश दे दूँ मैं आपको. टूथब्रश ला दूँ? बस. हाँ. तो ब्रश तो मेरे पास है. टूथब्रश तो कौन सा ब्रश नहीं है फिर? मामा मेरे लिए न्यू लेके आई है और मैं उसको टूथब्रश करती हूँ और फिर मैं उठती हूँ बाद में. फिर रोती हूँ? उठती हूँ बाद में. पहले टूथब्रश करती हूँ बाद में उठती हूँ. बाद में उठती हूँ. जब मैं मॉर्निंग होती हूँ मैं दोनों पे सो जाती हूँ. जब रात होती है तो मैंने न सो पाता. उल्टी हो गई ना. असल बात ये हुई है कि जब गुड मॉर्निंग होती है तो मैं दोनों के सो जाती हूँ. मामा बोर हो रहे. क्या हो जाओ? फ्रीज हो रहे जैसे अपने घर में. अच्छा, मैं फ्रीज हो गई. आप बात करें. ठीक है, फ्रीज. एल्सा की तरह फ्रीज. अब बातें करूँ? थैंक यू. क्या बात है यार. इधर क्या बनने वाला है कुछ अरसे में? मुझे लग रहा है कि अभी तो मेरा मेकअप मेरे पास नहीं होता. अभी तक तो ब्यूटिशियन बन गई है. हाँ. अब पता नहीं आगे जाके क्या बनेगी. होस्टिंग बन गई है ना आज हमने. माइक में बोलूं? हाँ. अच्छा, मेरा माइक ये लगा हुआ है. आपने इस माइक में बोलना है ताकि उनको आवाज आए. और मेरा माइक लगा हुआ है, मैं ऊंचा बोलूंगी. मोटू मोटी. मोटू मोटी माँ बोलती है एक्चुअली मुझे. ये आपको भी मोटू मोटी माँ बोलती है? माँ. हाय, तो ये मुझे क्या बोलेगी? नहीं, आपको आपको देखते पूछे. फरा आपको क्या बोला आपने? फराल, फराल मेरा मेकअप ठीक है? थोड़ा बाहर निकल गया है. हाँ यार, आँख के अंदर नहीं है, सब फैल गया. फैल गया. हाँ, कहाँ से आया? ये जादू से उसके साथ आ गया और भाग गया. ओह, तो आप मेरा मेकअप. और ये जो मेरी फ्रेंड ने जो बैठी हुई है वो है एक खाने वाली चोर. वो खाना बिल्कुल नहीं खाती. खाना बिल्कुल नहीं खाती? बिल्कुल नहीं. फिर? बिल्कुल भी नहीं. और जो ये लड़की है उनका नाम है फरापी. और फरापी. और एक एक बहुत बुरी सी गोरी सी ना अच्छी खाने वाली चोर है. वो खाना पकाती है और सफाइयाँ करती है और सब कुछ करी हमारी मदद करती है. और ये जो हंस रही है और मेरे बालों के ऊपर हंस रही है वो बाबा से. चलो मिलवाओ तो सही. लेट मी इंट्रोड्यूस टू फरापी. जाइए फरापी से मिला. बिलाई इनमें से कौन है फरापी? ये है फरापी. ये फरापी है? ये फरापी है. फरापी, वालेकुम अस्सलाम. आप डांटती हैं फराल को? जी, मेरी फ्रेंड है. फ्रेंड है?
अच्छा आप लोग क्या करते हैं मिलके? हमारे घर में आई है, न्यू है। हमारे घर में न्यू है। आई आप ही चली गई, लड़ाई हो गई थी बाबा से। फराज से पहले जो थी ना, अब क्या करोगे आप? ठहरो, पहले वो आपने जो बम फोड़ा है मामा को उसको तो बताने दो। मैं अब्बा का राज खोल लिया। अब्बा की लड़ाई हो गई थी फराज से, वो आलिया से। हाँ तो फिर फराज से ठीक है, तो छुट्टियाँ बहुत करती थी ना, वो फोन पे बहुत बात करती थी। यही मसला चलता रहता है, जेन्युइन मसला। अच्छा माइक तो दूर रख के। अच्छा अब मुझे बताओ, उनसे बातें करें। अभी हमें दे दे, मुझे ये बताएं कि आपकी फेवरेट पोएम कौन सी है? ट्विंकल ट्विंकल। सुनाएंगे तो पता चलेगा ना भाई। फिजा ये कैसे हैंडल होती है, थोड़ा सा वो बताओ ना, ये क्या चलता है दिन में? घर में तो पता ही नहीं चलता वैसे मुझे कि ये मेरे घर पे भी मौजूद है। घर में कुछ पता होता है ना आपको? अब एक मिनट, आपने मुझे ये देना है, मुझे बताएं कैसे। ये मेरी अगर बेटी हो तो बहुत मुश्किल हो। अच्छा ये फुल टाइम, एक तो कंपनी है, एक होता है ना बच्चे, फुल टाइम जॉब होती है, ये जॉब नहीं है, कंपनी है। ये आपका ख्याल रखती है, ये आपको टाइम पे बताती है खाना कब खाना है, किस वक्त क्या खाना है, किस वक्त क्या करना है, किस वक्त सफाई होनी है। अच्छा घर में इसका बड़ा मसला है कि अगर कोई लाइट जल गई है तो हर वक्त उसने कहना है बिल कहाँ से देंगे, कहाँ से पैसे आएंगे, ये बिजली का बिल जाया जा रहा है। हर वक्त का ये मसला लगा के रखा है इसने, तो सब हम डांटी खा रहे होते हैं। और ये लाइट ऑफ करो, दिन के टाइम पे लाइट जल रही है, रात के टाइम पे बुझा देती है। इतनी सी एक पीली सी छोटी सी लाइट है कमरे में, वही जल रही होती है। कैमल कहाँ से आ गया? गधा होगा, गधे को कैमल कहती है। अच्छा गधे को कैमल, गधा ही होगा ना, यकीनन गधा होगा, वाकई गधा है, गधा है ना उनसे वो वाला कैमल। कैमल की बात कर रही हैं आप? हाँ कैमल अभी थोड़ा सा वहाँ पीछे चला गया है, वो कैमल था तो गधा ही होगा। ये हमें गधा बनाती है और कुछ नहीं है, कैमल बोलती है। क्या बात है। अच्छा ये तो बात ही बता रहा हूँ मैं, मैं आप कुछ वो रोज करूँगे। इधर इधर, मैंने आपसे मेकअप सीखना है। अच्छा मैंने आपको इसलिए बुलाया, मैंने आपसे मेकअप सीखना है। मुझे मेकअप नहीं आता, मैं क्या करूँ? बस ऐसे ही हो जाता है। तो अगर अगर मैं आपको मेकअप की सारी चीजें ला के दूँ? मेकअप दोगी? एक दिन मैं मेकअप किया था मामा को, आप मामा आपको भेज देगी पिक्चर्स की। रियली? हाँ। तो क्यों नहीं आप आज ही कर दे मेरा मेकअप? और मैं सनातन को मेकअप किया था और मैंने हम खुद को किया था। तो इनको भी कर देना, मुझे बोला आईलाइनर है, मुझे भी कर दे। और मुझे खुदा ब्यूटी बेस चाहिए। अभी अभी मैं अपनी ऑडियंस से बात कर रही थी, आज लड़कियों की फरमाइशें बड़ी बढ़ गई हैं भाई। मगर शुक्र करें मुंह से हुदा ब्यूटी निकल गया। तो वैसे जब शुरू शुरू में जब ये नाम याद किया था, बोल सकती हूँ? हाँ। हुदा के बजाय बेहुदा बोलती थी कहती थी बेहुदा बेस दे दे। अच्छा अच्छा हुदा अगर वो ना हो, किसी और बेस से मेकअप कर लेंगी आप? उससे दाने ही निकलते हैं। ओ किसी और बेस से दाने निकलते हैं। मैक भी अच्छी है फरहान, मैक भी अच्छी है। और एक मेरे ने बोले से और ये जो फरा पी है वो वाली फरा मुश्किल करना पड़ा होता है। ये क्या होता है? मुश्किल खाना नहीं खाती, मुश्किल होता है भाई। फरा पी खाना खा लिया करो यार, यहाँ पे तो ये बहुत बड़ा मसला बन गया। इतने से चावल पे सुबह से रात तक जिंदा रहती है, आधा कप चाय पीती है। आप कितना खाती हो दिन ब दिन? जब से फिजा को देख रहे हैं, जब अगली दफा मिलते हैं पिछली दफा से ज्यादा हसीन हुई होती है, फिर मिलते हैं तो पिछली दफा से ज्यादा हसीन हुई होती है। मेरे हाथ से तो लोग खाने की प्लेट छीन लेते हैं, मैं तो इतना खाती हूँ। नहीं खाती होगी, लेकिन अभी आज हमें बताना है कि सीक्रेट क्या है, फिजा का ब्यूटी सीक्रेट क्या है, फिर हम फराल से वेरीफाई करेंगे। ठीक है तो बताओ ना। मैं तो अभी रात को भी दाल चावल खा के आई हूँ, उसके साथ आलू की भुजिया भी थी, आलू के कबाब भी थे, और उसके अलावा अभी सुबह भी मैंने एक पराठा टिका लिया। हाँ क्योंकि मुझे पराठा बनाना नहीं आता, मैं बहुत इतनी अच्छी मतलब नहीं मतलब उसकी जो सब एक होती है बना लेती हूँ, टेढ़ा शेढ़ा सब कुछ, मगर जब उसको ऐसे यू नो बेलना और पटकने की बात आती है, जब डालने की बात आती है तो मुझे कभी नहीं बनता। तो मुझे पराठे के अलावा मुझे कुछ भी बनवा, कुछ भी बनवा, मैं पराठा इन बच्चों के हाथ का खाता। मामा क्या खाती हैं फराल? और मैं तो दाल चावल खाती। माँ का ना कुछ बताओ, माँ क्या खाती है बताओ? माँ खाती है दाल चावल, खाती है और और
अपने बाबा है उनको वो भी मुझे बहुत नाइस चलाते। खाना नहीं बताओगी क्या खाती है माँ? खाना खाना आप है तो मैं खाना हूँ। मामा कितनी दफा खाना खाती हैं दिन में? बहुत सारा। बहुत दफा? सुबह नाश्ते में क्या करती हैं? अंडा खाती हैं? अंडा खाती हैं। अच्छा अच्छा, और सोचती हूँ मैं। अच्छा सोचती हूँ, मैं ये सोच रही हूँ भाई आज कमाल बात ये है फराल, कमाल बात ये है कि फराल ने एक मेकअप ट्यूटोरियल किया है एंड इट वाज अ ब्लास्ट। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने। वो आप बता रही थी कि क्या चीज लगानी है और हल्की आंच पे बताया था, आप बताया था, मगर फिर भी बड़ी बात है यार। मगर ये था कि करा अपना खुद इसने, वो पूरा आई इसने आई कॉन्टोर इसने खुद बनाया था, हल्का हल्का। हाँ बाकी कुछ चीजों को ठीक मैंने किया था, किया सच बात है। तो वेरी गुड, तो क्या बन रही है, ब्यूटिशियन बन रही है? मुझे तो यही लग रहा है, मुझे यही लग रहा है कि या तो ये ब्यूटिशियन बनेंगी या फिर ये होस्ट बनेंगी। या होस्ट बनेगी? हाँ वेरी गुड, होस्ट तो बन गई, रह ही नहीं सकती।